अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपकी? उम्मीद होगी होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज का दिन का आगाज़ हो चुका है, नहा के आ चुका हूँ मैं, फ्रेश हो चुका हूँ, जाना है DIG ऑफिस। परसों मैं गया था SSP ऑफिस, उसके बाद गया था SHO ऑफिस, और कल मैं गया था दोबारा SSP ऑफिस, उसके बाद गया था मैं DIG ऑफिस। तो अब मेरी फ़ाइल पड़ी हुई DIG ऑफिस, तो अभी मैं जाऊँगा DIG ऑफिस से फ़ाइल पिक करने। मैं आपको बताता हूँ फ़ाइल किस चीज़ के बारे में, तो डोंट वरी, सब बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली। अच्छा, मसला ये है कि मैं निकल रहा हूँ DIG ऑफिस के लिए और मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है वहाँ पे, और अभी बज रहे हैं कोई क्या कहते हैं उसको, अभी बज रहे हैं, सामने गार्ड वाला मुझे देख रहा है, वेट मैं ज़रा गाड़ी चला लूँ आगे। तो सामने अभी 3 बजने वाले हैं और 3 बजे मेरी क्लास है, और यहाँ से DIG ऑफिस कोई है 25-30 मिनट की ड्राइव पे। वेट, मैं अभी नज़र नहीं आ रहा हूँ आप लोगों को, तो क्या कहते बताता हूँ। तो अभी मैं निकलूँगा DIG ऑफिस। अब आप लोग सोच रहे होंगे DIG ऑफिस क्यों जा रहा हूँ मैं, और DIG ऑफिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यार मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए DIG ऑफिस से वेरीफिकेशन की ज़रूरत है। पहले SSP से कराई थी, फिर SHO से कराई थी, फिर दोबारा SSP से कराई थी, फिर मैं DIG ऑफिस सबमिट कराने गया था। आज मुझे लेटर मिलेगा, तो लेटर मैंने ले के फिर वापस कैंट आना है। ये सब कुछ आपको मलिर कैंट में घर हायरिंग के लिए लेना पड़ता है, मतलब इतनी सारी रिक्वायरमेंट है। ये तो एक चीज़ है, बाकी अलग फॉर्म, अलग डॉक्यूमेंटेशन अलग है NOC के लिए, तो वो ले के मैं जमा कराऊँगा, तो मुझे आज ही लेनी है। तो मैं अपने रिस्क ले रहा हूँ क्लास का, मुझे जाके अभी पिक कराने, होपफुली वो मुझे मिल जाए डॉक्यूमेंट, तो वो एक ही फॉर्म जमा करा के मुझे देंगे। यार ये सब कुछ जाना बहुत ख्वारी है मलिर कैंट में रहने के लिए, वेट करना भाई, बहुत ख्वारी है भाई, बहुत ख्वारी, वेट मैं आपको नहीं दिख रहा। और ये वेरिफिकेशन सारी जो है आपको मलिर कैंट के अंदर शिफ्टिंग करने, मतलब विद इन मलिर कैंट ही शिफ्ट करने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आपको तब भी ये सारे काम करने पड़ेंगे भाई, बहुत ख्वारी है बहुत ज़्यादा ख्वारी है। और ये तो कराची की सड़कें जो है ना, माशाल्लाह सड़कें हैं, कुछ जगहों में मैंने देखी है भाई काम हो रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं। हमारे सबके माइंडसेट में ये है कि हम सबका माइंडसेट ये है कि जो है क्या कहते हैं, सामने दो लड़के मुझे देख रहे हैं, बोल रहे हैं पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। तो हमारे सबके माइंडसेट में ये है कि जो पुलिस है वो कुछ ले दे के जो है ना काम करती, तो भाई ऐसा नहीं है। मैं जिधर भी गया हूँ 0 पैसे दिए हैं मैंने, और हाँ 0 पैसे दिए हैं मैंने, कुछ भी पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो 0 काम पे हुआ ही। तो आप भी पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाया करें और अपना काम करवाएं पुलिस से। मैं तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, कुछ मतलब लेना देना ऐसा कुछ होता नहीं उनमें। तो चलें फिर, मैं अभी रास्ते में हूँ, तो ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए ड्राइव करते हुए, मैं चलता हूँ। भाई ये देखें, PSL के लिए जो है ना ट्रक लगाए हैं और खड़े किए हैं। PSL व्हाट इज दिस, जानी रास्ते बंद किए हैं तुमने। क्लास होती है लेट हो गया यार एज यूजुअल। ये चार कंपोनेंट्स हैं। चलो भाई जब तक मैं क्लास लेता हूँ आप वेट करें, इसके बाद बात करता हूँ आप, ठीक है। 30 मिनट्स लेट हो गया हूँ मैं, और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहाँ सब चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग वेट करें जब तक मैं मेहनत करता हूँ। चलो भाई नमाज का ब्रेक मिला, ठीक है, तो नमाज पढ़ के आते हैं। सर अच्छे हैं, नमाज गुजार हैं भाई, सब नमाज गुजार हैं, वेट नमाज पढ़ के आ रहे हैं।
क्लास एंड हो गई है और अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और जो है 10:30 बज रहे हैं, तो मैंने खाना नहीं खाया। तो अभी मैं जाऊंगा साइकिलिंग पे, क्योंकि जिम नहीं की मैंने शाम में, साइकिलिंग पे जाऊंगा और बस फिर दिन एंड हो जाएगा, दिन का इख्तिताम हो जाएगा। भारी उर्दू, इंग्लिश तो आती नहीं, उर्दू ही सही। और हाँ, घर की जो मैंने बात की थी उसमें मैं बात करूँगा, लेकिन थोड़े दिनों में बताऊँगा, सब बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना, सब बताऊँगा। मालूम है बैठ के पानी पीते, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है। अभी साइकिलिंग से आया हूँ मैं फ्री होके, और मैंने आपको अपडेट देनी थी अपने सितंबर के पेपर की। जो मैंने दो पेपर दिए थे, तो वो दोनों पेपर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और मेरी मेहनत से पास हो चुके हैं। सो अब आगे दिसंबर में पेपर है, मैंने पेमेंट कर लिया पेपरों की, सो अभी उसकी तैयारी चल रही है। बाकी बस मैं यही बता रहा था मैंने कि दोनों पेपर क्लियर हो गए हैं, और इसका रिज़ल्ट आया था 19 अक्टूबर को इसका रिज़ल्ट आया था। मैंने बताया नहीं आपको क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स आ रहे थे मेरे। तो बस यहीं तक है, दिन का एंड करते हैं, रात हो गई है, सोने का वक्त। फिर मिलते हैं आपसे कल, परसों, तरसों, चरसों, जब भी, ठीक है।